वर्तमान में पूरी दुनिया विकास के तरफ जा रहा है, लेकिन जिन मुल्कों में अंधविश्वास फैला हुआ है वहाँ आबादी एवं जलवायु के आधार पर कम विकास कर रहे हैं, जिनके निम्न कारण हैं। पहला, देश के कुल आबादी का 70% नौजवान एवं कामगार का है, शेष 30% बच्चे एवं बूढ़े विकलांग अंधे हैं। दूसरा, 70% काम करने वालों में से लगभग 35% मानव निर्मित धर्म के घरों पर एक कर रहे हैं, साथ में उसी 35% में राजनेता एवं अधिकारी गण का परिवार नौजवान एक फरमा रहे हैं। शेष बचे देश के 35% में 10% ऐसे लोग नौजवान हैं जिन्हें कार्य न मिलने के कारण उच्च लोगों के संगत में नशे का शिकार बने बैठे हुए हैं। चौथा, शेष बचे 25% में 5% अमीर नेतागण अधिकारीगण की औरतें नौजवान घरों पर नौकरों के द्वारा घर का कार्य कराकर घर पर बैठी रहती हैं। शेष हमारे देश में 20% लोग कार्य करते हुए देश को विकास से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, जिस देश में 20% लोग काम करेंगे और 70% नर नारी कामगार होते हुए एक करेंगे, वह देश कितना विकास कर पाएगा, यह सूचना अब देश के नवयुवक नर नारी का काम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है वह कंगाल है, और जो धन राजनीति एवं नंबर 2 से जुड़ा है वह माला माल है। क्यों? वोट जनता देती है, माला माल नेता अधिकारी होते हैं, धर्म स्थल पर जनता जाती है, माला माल वहाँ का प्रबंधक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मतदाता बेरोजगार कल के भविष्य विद्यार्थी सोच पा रहे हैं या नहीं? अपना विचार कमेंट करके दें, तभी देश बदल सकता है, नहीं तो अंधकार में भटकते रह जाएंगे। लाइक अवश्य करें। सत्यमेव जयते।